सामान आ चुका है। हमने ऑर्डर दिया था डेकोर का सामान, वॉल हैंगिंग। तो वहाँ वो भैया खड़े हैं बाइक से, तो वो आएंगे यहाँ ले गए, क्योंकि मेरा भाई अभी सोया हुआ है तो मैं ही अपना सामान पिक करूँगी। तो वो भैया वहाँ हैं, आएंगे लेके आ रहे हैं वो, मैं उनको ऊपर ही बुला लूँगी। पता नहीं वो आएंगे या नहीं, देखते हैं। क्या है वो भैया, बहुत पानी भी लग गया, निकल के आ रहे हैं। उनको बुला लो ऊपर, सेकंड फ्लोर पे आ जाइए। भैया ऊपर आ सकते हैं? आ रहे, रुकिए, आ रहे। यहाँ सामान मेरा आ गया। लाइट जलाइए, लाइट। तो सामान आ चुका है, एक्सप्रेस वे से। यस, तो ये हमारा सामान है। अनबॉक्सिंग करेंगे कल हम इसको। यस, क्या है ऐसे सामान, सरप्राइज रहेगा इसकी अनबॉक्सिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल भारती एटीजेड। तो आज हमें कुछ ये सामान परचेस किए हैं, तो इसे आज अनबॉक्सिंग करना है। तो अनबॉक्सिंग करने के बाद पता चलेगा इसमें क्या है। तो उम्मीद है इसको खोलते हैं। वैसे इसमें क्या है, हमने मीशो से वॉल हैंगिंग मंगाई है, वॉल डेकोर का सामान मंगाया है मैंने मीशो से, जो 482 का है, 482 रुपये का है। तो देखते हैं क्या है अंदर, क्योंकि अभी तक मैंने इसको खोली नहीं है, देखा भी नहीं है कि कैसा आया है हमारा सामान। क्योंकि एक दिन हम वेट करते हैं कोरोना की वजह से, एक दिन हम सामान को रख देते हैं, सेकेंड दिन हम। तो आज हम इसे खोलेंगे और बताएंगे इसमें क्या है। तो दिखलाइए मम्मी इसको, खोलिए खोलिए। यस, एकदम खोलिए। किधर से खोलना है देखो तुम? ये सीजर है और एक नाइफ, चाकू और सीजर की मदद से मम्मी खोलेंगी इसको। ऐसे काटूं? हाँ हाँ, काटिए। कैसे खोलिए? अच्छे से खोलिएगा, क्योंकि अगर खराब हुआ तो रिटर्न भी करनी पड़ेगी ना। खोल के देख लेना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर टूटा फूटा हुआ सामान तो वापस हो जाएगा। काफी हार्ड है बॉक्स, उधर से भी देख कुछ फटे ना। बॉक्स हार्ड है। तो मम्मी लगी हुई है खोलने के लिए, और ये डब्बा इतना मजबूत है कि खुल ही नहीं रहा है मम्मी से। काफी सख्ती पैक है। और कुछ चीज ना जब आता है ना, तो कितना मजा आता है ना खोलने के लिए, बहुत मतलब अंदर बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि यार कैसा सामान आएगा, और इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी हुई है। खुल गया ये डब्बे के अंदर डब्बा है। डब्बे के अंदर डब्बा। इससे मैंने, मम्मी कितनी खुश है, अंदर तो कुछ है नहीं, जो है सो इसी में मटेरियल है। इसमें कुछ स्क्रू भी हैं, ये नट्स वगैरह हैं यहाँ पे, जो मीशो ने दिया है हमें, इसको हम साइड रखेंगे इसमें। हाँ, इसको इसको ड्रिल करने के लिए, ड्रिल करने के बाद हम ये करेंगे। इसमें चारों तरफ से सेलो टेप लगा हुआ है। हाँ, तो इसको हम ओपन करते हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, एकदम बढ़िया से पैकेजिंग अच्छी है इसकी। काटूं? एकदम काटूं यहाँ पे? हाँ, लग रहा है मम्मी केक कट कर रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। आराम से आराम से, नहीं तो वो स्क्रैच लगेगा ना उसके। हैप्पी बर्थडे, आराम से स्क्रैच लगेगा नीचे, व्हाइट कलर का है। देख रही हूं, नहीं लग रहा, ऊपर ही पड़े हैं, जल्दी जाके ना करना। ना भाई, व्हाइट कलर का है वो, ये व्हाइट है। व्हाइट, व्हाइट तो भाई मेरा फेवरेट है ही, पता है तो, व्हाइट और ब्लैक। आराम से इसको निकाल के सेट करके, अरे इसको कट कीजिए ना यहाँ से, निकाल के सेट करके। सीजर भी है ना, उससे कर लेते हैं। नहीं, उससे स्क्रैच लगेगा। नहीं, तो फाइनली ये निकलने वाली है इसमें से। आकर ये है क्या चीज पता तो चले, ये वॉल हैंगिंग का सामान है, वॉल डेकोर। और ये डब्बा, इसमें भी डब्बा के अंदर डब्बा 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 निकालिए, देखते हैं भाई। इसको साइड कर देते हैं ना डब्बे को, इसको हटा देते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 बॉक्स हैं इसके अंदर। अब इसको वाल में कैसे सेट करना है
वो हम दिखलाएंगे जो ड्रिल करने आएंगे ना भैया। अभी तुम उसके बाद दिखाओ ना, मैं पकड़ ले रही हूं, सेट करके दिखाओ। नहीं मैं निकाल रही हूँ ना, ऐसे इसको निकाल लिया मैंने, जो मैं कर ले रही हूं। तुम सेट करके दिखाओ, करो। कैसे मान लो कि ड्रिल वाले भैया आएंगे तो लगाएंगे बाल में, तो कैसे लगाएंगे, उसका शेप क्या है दिखाओ। कर सकते हैं उसमें फोल्ड दिया हुआ है कटिंग, ये सब दिया है कि पसंद है कि नहीं, अच्छा है ना। और दीवार में जब जाएगा तो ये खड़ा एडजस्ट कर सकते हैं इसको, और ये दीवार में ड्रिल होके लग जाएगा। मैं दीवार में से दिखलाती हूँ थोड़ा बहुत, आइए लेके हमें कहाँ लगाना है, तो मुझे लगाना है इधर कॉर्नर में, ना गिरेगा नहीं गिरेगा तो दिक्कत नहीं है। मतलब इसको ना स्क्वायर में करना है हमें सेट, ऐसे तो करना नहीं है, यही लगेगा यही पे, ऐसे कैसे भी हम लगा सकते हैं इसको, ऐसे ही लगाएंगे परफेक्ट लगा देंगे सेट करके। चलो अच्छा है। तो हमने ये डब्बा अनबॉक्सिंग कर दिया, और ये बॉक्स के अंदर ये सामान था जो हमने ऑनलाइन परचेज किया था मीशो से। मीशो से 482 का है, बहुत अच्छा है। है 500 के अंदर है, ये लग जाएगा। छोटा मोटा डेकोरेशन के लिए सामान इस पे रखा जा सकता है, अपने यूज के अनुसार सामान रख सकते हैं इस पे। तो गाइज अगर आज का ब्लॉग हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू टू ऑल, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।